इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक कॉमन सा मिस्टेक ये करते हैं, लाइक मार्कर, हम रिएक्शन कुछ इस वे में लिख देते हैं, फेर आयरन प्लस ऑक्सीजन गिविंग फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, दोनों को एक साथ लिख देते हैं, आयरन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टिंग एंड दे आर गिविंग फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। इफ यू आर राइटिंग दिस रिएक्शन साइमल्टेनियसली, द प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब तुमने तो रेशियो ही फिक्स कर दिया। तो वही क्वेश्चन में हमसे पूछा इनडायरेक्टली, क्लियर। सो यहाँ पर ये लिखना गलत होगा, हमें आयरन को पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के फेरस ऑक्साइड बनाना है। फेरस अस वर्ड यूज होता है वहां जहां पर लेस ऑक्सीडेशन स्टेट हो, और फेरी इक वर्ड यूज होता है जहां पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो। फेरस में प्लस टू और फेरिक में प्लस थ्री, एफईओ को कहा जाता है फेरस ऑक्साइड, बैलेंस रिएक्शन। फेरिक ऑक्साइड एफई प्लस ओ टू गिविंग एफई टू ओ थ्री, बैलेंस रिएक्शन। चलो अब हम क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। वन मोल ऑफ एफई रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 0.65, वन मोल एफई रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 0.65 मोल। एज्यूम करो वन में से एक्स मोल यहां से रिएक्ट किया, बचा कितना 1 माइनस एक्स, तो टोटल 1 रिएक्टेड। यू कैन आल्सो अज्यूम इन दिस मैनर, एक्स मोल रिएक्टेड फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन, वाई मोल रिएक्टेड फ्रॉम सेकंड रिएक्शन, फिर एक्स प्लस वाई को 1 कर। तो बजाय मैं एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लेने के, यहीं पे मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं, एक्स एंड 1 माइनस एक्स। एक्स मोल रिएक्ट कैन विद एक्स बाय 2 मोल्स, 2 कैन रिएक्ट विद 1, 1 कैन रिएक्ट विद 1 बाय 2। चलो बता दो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस एक्स कैन रिएक्ट विद हाउ मेनी ऑक्सीजन, अभिषेक कितना आएगा, 3/4 इनटू 1 माइनस एक्स, 3/4 मोल्स ऑफ दिस बाय 4, मोल्स ऑफ दिस बाय 3, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे मोल मेथड, 3/4 ऑफ 1 माइनस एक्स, 4 कैन रिएक्ट विद 3, 1 कैन रिएक्ट विद 3/4, 1 माइनस एक्स कैन रिएक्ट विद 3/4, 1 माइनस एक्स। ये कितना बनेगा, x बनेगा, ये कितना बनेगा, 1 माइनस एक्स बाय 2 बनेगा। चलो टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.65, दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट रिएक्शन से x बाय 2 रिएक्ट किया, सेकंड रिएक्शन से 3/4 1 माइनस x रिएक्ट किया। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x, जो चाहिए सब कुछ आ जाएगा, हो जाएगा एट क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9, x ग्राम कार्बन हीटेड विद y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन से हीट किया, पहला प्रोडक्ट CO, दूसरा प्रोडक्ट CO2, इफ यू बैलेंस द रिएक्शन होगी बैलेंस। x ग्राम कार्बन रिएक्ट टू y ग्राम ऑक्सीजन, नो सॉलिड रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। x ग्राम कार्बन y ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, दीज आर द टू पॉसिबल रिएक्शन। चलो हम इन दोनों रिएक्शन में x ग्राम कार्बन हमें टोटल दे रखा है, अब वो इससे भी ये भी बना सकता है CO2 और CO2 भी बना सकता है। हमें बोला है कि किस केस में नो रेसिड्यू लेफ्ट होना है, व्हाट वुड बी द नेसेसरी कंडीशन फॉर y बाय x, क्या नेसेसरी कंडीशन होगी। सो x ग्राम रिएक्टेड विद y ग्राम, हम यहां से यदि वो रिएक्ट करता है तो एक कंडीशन निकालते हैं। सो x y यहां पर 100% रिएक्ट करेगा, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट होंगे, मोल्स x बाय 12 ग्राम बाय कोफिशिएंट शुड बी इक्वल टू मोल्स y बाय 32 अपॉन कोफिशिएंट 0.5 1/2। क्लियर, हमें ये बचना, सॉलिड रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए, ऑक्सीजन बच जाएगा तो चलेगा, मतलब दिस शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट, ये वाली क्वांटिटी इससे कम होनी चाहिए। सो यहां पर आ जाएगा 16 by 12 should be greater than y by x, ये होता है 1.33, 4 by 3, y by x 1.33 से बड़ा आ रहा है,
फर्स्ट केस से जब हम सॉल्व करते हैं, क्लियर। सेकेंड केस से सॉल्व करोगे तो डबल ऑक्सीजन लगेगा, तो उसमें आ जाएगा y by x is greater than 2.66. So, एक केस आ रहा है 1.33, एक केस आ रहा है 2.66. So, यदि हम लिमिटिंग केस देखेंगे, हम मिनिमम अमाउंट O2 का यदि निकालने की कोशिश करेंगे, यदि 1.33 से ज्यादा है तब भी रेसिड्यू नहीं बचेगा। अच्छा, कार्बन के रिएक्शन में ये होता है, सबसे पहले यदि लिमिटेड ऑक्सीजन है तो CO2 नहीं बनता है, CO बनता है। तुमने पढ़ा होगा इनकम्प्लीट कंबशन, इफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड तो पहले बनेगा CO, और यदि ऑक्सीजन एक्सेस में तो फिर CO CO2 में कन्वर्ट होता है। तो जब हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी तभी सॉलिड रेसिड्यू नहीं बचेगा। दो कंडीशन है, मैं बोलूं एक बार x y by x greater than 1.33, एक बार y by x greater than 2.66. तो मेरा जो छोटा वाला वैल्यू है वही मुझे जीरो सॉलिड दे रहा है रेसिड्यू। क्या इतना क्लियर है सर? सर वो हाफ O2 क्यों लिया सर डायरेक्टली, और CO2 का टू क्यों नहीं लिया उसने फर्स्ट? कार्बन एंड ऑक्सीजन कैन रिएक्ट टू गिव टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटेड ऑक्सीजन कैन गिव CO, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कैन गिव CO2। इवन इफ यू वांट यू कैन राइट दिस रिएक्शन इन योर लेक्चर नोट्स, इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन। In presence of less or limited O2, in presence of excess of O2, excess of O2 में ये बनता है, limited में ये बनता है। हमें नहीं पता कितना O2, हमने दोनों केस के लिए कैलकुलेट करके देख लिया। Yes, मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं। एक बार मैं बोल रहा हूँ जब वो क्वांटिटी 1.33 से ज्यादा है तो रेसिड्यू नहीं बचेगा। सेकंड में बोल रहा हूँ वो 2.6 से ज्यादा है तो भी रेसिड्यू नहीं बचेगा। तो यदि मुझे पूछा जाएगा किससे ज्यादा होना कंपलसरी, 1.33 पे रिपोर्ट कर दूं। मतलब यदि 2.66 रिपोर्ट करता हूं तो मेरा जो आंसर है 1.33 और 2.66 के बीच वाला, वो भी तो मैच हो रहा है, वो गलत थोड़ी। आर इट क्लियर? Yes, sir. Part 1 complete. Part 2 से भी doubt था क्या? Part 2 doubts. Part 2, question number 10. CaCO3, CaO, CO2 gas, MgCO3. अभी कुछ जनरल रिएक्शन है जैसे आते जा रही है तो हमें ध्यान रखना है, हो सकता है पहले नहीं पता हो। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट, वी गेट सच काइंड ऑफ रिएक्शन, CO2 रिलीज होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है इसका, बेरिलियम कार्बोनेट। ये सॉलिड रेसिड्यू बचेंगे, गैसिफाई हो जाएंगे, सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। 92 ग्राम मिक्सचर था, 48 ग्राम रेसिड्यू बचा है। फाइंड द मास ऑफ MgCO3। चलो इसको x ग्राम ले लो, ये 92 माइनस x। अब x और 92 माइनस x में इन दोनों का वेट निकालो और ये रेसिड्यू है दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके 48 से इक्वेट कर दो, x आ जाएगा। हो जाएगा तनिषा? यस सर। जितने इसके मोल्स उतने इसके मोल्स, मोल्स इक्वल टू मोल्स, दोनों के पहले मोल्स निकाले, दोनों का वेट निकाला, दोनों को ऐड किया और 48 से इक्वेट। नाइंथ क्वेश्चन, व्हेन वन मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद हाफ मोल ऑफ बी, रिएक्शन इज गिवन ए प्लस हाफ बी टू गिविंग ए बी,
यहां पर एनर्जी रिलीज हो रहा है 100 किलो कैलोरी. When one mole of A reacted with two moles of B, AB 4 बनेगा. यहां पे एनर्जी लिबरेट होगा 200 किलो कैलोरी. When one mole of A is completely reacted with excess of B 2 to form AB and AB 4, मतलब दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, 140 किलो कैलोरी हीट इज लिबरेटेड. कैलकुलेट द मोल्स ऑफ B 2 यूज्ड. चलो एज्यूम करो वन में से x यहां से रिएक्ट किया, वन माइनस x यहां से रिएक्ट किया. x कैन रिएक्ट विद x बाय 2, वन माइनस x कैन रिएक्ट विद 2 टाइम्स ऑफ वन माइनस x. व्हेन वन मोल ऑफ ए रिएक्टेड, तनिषा कितना एनर्जी रिलीज होता है? 100. तो x के लिए बता दो कितना होगा टोटल एनर्जी रिलीज? 140. फर्स्ट रिएक्शन से कितना रिलीज होगा? 100 One mole can give 100 kilo calorie. X mole can give 100 into X. One can give 200. One minus X can give 200 into one minus X. Eight mole react karega to 100. Two mole react karenge to 2 into 100. 10 moles react karenge to 10 into 100. X karenge to X into 100. Got yes, it? Sir. ओके अब x के लिए सॉल्व कर लेना, और जब तुम x के लिए सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें पूछा है b के मोल्स कितना रिएक्ट करेंगे. x by 2 plus 2 1 minus कितना आ रहा है वैसे? x 100 260 0.6 आ रहा है ना x 0.6 सो 0.3 0.8 1.1 into 10 11 आंसर दे रखा है क्या? तनिषा क्या है आंसर? सर एक मिनट. यस सर 11 ही. फोन में आ गया सर. थैंक यू. और किसी का कोई डाउट नहीं है? एक लोकेश एब्सेंट था, रेकॉर्ड कौन सा बच्चा था? यश. यश ने ज्वाइन कर लिया क्या? यश सावंत इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है? सर वो नेटवर्क इशू आ रहा था बहुत. ठीक है, इसमें टीचर कुछ बोल भी क्या सकता है. चल आयुष सर इन 9 वॉज ए डिवाइडेड मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. नहीं समझा आयुष का डाउट, क्वेश्चन चाह रहे थे. सर इन 8th क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1 में क्या कॉन्सेप्ट था? आई वॉज डिस्कनेक्टेड. 8th क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1 दो रिएक्शन लिख रहे थे एज इट इज, सिमिलर क्वेश्चन था. ये जैसे लिखा है ना ऐसे दो रिएक्शन लिखने अलग अलग. आयरन प्लस ऑक्सीजन गिविंग Fe, आयरन प्लस ऑक्सीजन गिविंग Fe2O3. x mole 1 minus x mole exactly ऐसा ही किया था. यहां पर x के टर्म्स में इसके मोल्स निकाले O2 के. 8th क्वेश्चन क्वेश्चन यदि तुझे 9 क्वेश्चन समझ में आया होगा ना, मतलब उसमें से कैलकुलेशन इतना और एक्स्ट्रा है इसमें, उसमें और भी कम था. इन दोनों को ऐड करके 0.65 से इक्वेट कर दिया O2 के रिस्पेक्ट में.
मोल मेथड से स्टोइकोमेट्री से पहले तो मोल्स निकाल दिए, रिलेट कर दी. क्लियर क्वेश्चन? यस सर. वो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उनके मोल्स को डिवाइड किया था और वो आंसर निकाला था, क्या वो पूछ रहा था? One candidate with half, x candidate with x by 2, 1 half 1, x, x by 2, 1, 2, 1 minus x candidate with 2 times over minus x. जिस रेशो में कोफिशिएंट होंगे उस रेशो में रिएक्शन होगा. चलो पार्ट थ्री से भी कर दिया कुछ होमवर्क, ठीक है. पार्ट थ्री मुझे लग नहीं रहा कि ज्यादा बच्चों ने सॉल्व किया है. पार्ट थ्री पार्ट फोर में नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ता हूँ, एक्सरसाइज वन पे आ जाता हूँ पहले. क्या पेंडिंग है एक्सरसाइज वन में? कोई कुछ बोल रहा था? डीओरी टेस्ट के जस्ट पहले डिस्कस तो किया था हमने, मुझे तो याद है. डाउट भी दिख ध्यान आ रहे हैं. कहां पे था तू? हो गया था सेक्शन डी तब. यस सर. चलो पहले हमें ना एक दो क्वेश्चन जी एडवांस के करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. मैक्सिमम क्वेश्चन जो मुझे दिख रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म पे ही दिख रहा है. हमारे बुकलेट में तो एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं दिखा जो हमने अभी कर पाए हैं. एक मिनट. मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, मतलब स्पेशली जेई एडवांस के मुझे कुछ क्वेश्चन करवाने हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आए हैं. Thank you.
Question number 5. Question number 5. 2.76 gram of silver carbonate on being strongly heated yields a residue weighing this. Ag2 CO3 को हीट कर रहे हैं और Ag का सिल्वर मास वेल नोन है, याद रखना है 108. क्या बनेगा डिसोसिएट होने पर Ag2CO3? Ag2O प्लस CO2. CO2 रेसिड्यू क्या बचेगा? Ag2O. यहां पर वर्ड यूज कर रखा है स्ट्रॉन्गली हीटेड. यदि स्ट्रॉन्गली हीट किया है तो Ag2O कैन फर्दर डिसोसिएट इनटू Ag. पहले Ag2CO3 Ag2O में ब्रेक होगा, स्ट्रॉन्गली हीटेड है तो Ag में बन जाएगा और ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाएगा. क्लियर? सो यहां पर रेसिड्यू बचेगा 2 Ag. स्ट्रॉन्गली हीटेड यूज किया है इसलिए सिर्फ Ag बचेगा, हीट करते तो Ag2O बनता है इंजन. सर यस सर, फिर वो रिएक्शन में डायरेक्टली 2 Ag प्लस 3 CO2 ये आएगा ना? 2 Ag प्लस हाफ O2 प्लस CO2. POC लगा दो Ag पर, वेट आ जाएगा जो भी Ag का फाइनली बनेगा. मोल्स ऑफ Ag2CO3 इनटू 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ Ag इनटू 1 निकाल लेना बेटा. चलो बाकी मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें फिर वो दिख रहे हैं जो इसमें यूज है कंसंट्रेशन टर्म नेक्स्ट हेडिंग का. सर हाँ सर, वो हाफ O2 में कैसे होगा कि वो डायरेक्टली 2 Ag प्लस 3 CO2 में भी हो सकता है ना सर कन्वर्ट? क्या बोल रहे हो सर? वो AgCO3 डायरेक्टली सर वो रिएक्शन बैलेंस करके 2 Ag प्लस
3CO2 में डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है ना? Ag2CO3 बैलेंस करेगा तो 2Ag प्लस CO2 बचा एक ऑक्सीजन, हाँ फोटो बैलेंस करके देख लेना, Ag2CO3 गिविंग 2Ag प्लस हाफ फोटो गिव प्लस CO2। यस सर। ओके कंसंट्रेशन टर्म्स, ये ऐसा हेडिंग है शायद ही कोई जेई मेंस या जेई एडवांस का एग्जाम का छुटा होगा जिसमें इस पे क्वेश्चन नहीं आया होगा, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला के 2 से 3 क्वेश्चन में ये यूज आता ही है। जैसे तो कंसंट्रेशन हम पूरे ही फिजिकल केमिस्ट्री में यूज आएगा हर चैप्टर में, बट यस इन चैप्टर्स में मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा इससे, इनडायरेक्ट में भी यूज आता है, इवन अभी जो जेई मेंस हुए हैं चल रहे हैं उसमें भी इस पर बेस्ट क्वेश्चन आए। हमने आई थिंक 3 कंसंट्रेशन टर्म ऑलरेडी देखे हैं, मोल परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड वेट बाय वेट परसेंटेज, देखा है तीनों? यस सर। तो मैं इन्हें लिखा तो रहा हूं वापस से बट बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय एक्स, मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स, इसका सिग्निफिकेंस भी मैटर करता है, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स आउट ऑफ 1 मोल ऑफ द टोटल, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स आउट ऑफ 1 मोल ऑफ द टोटल, देन मोल परसेंटेज था, परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100, n1 अपॉन n टोटल इनटू 100, ध्यान रखना आप केमिस्ट्री में मास वेट दोनों सेम ही है, ग्रेविटी पिक्चर में कभी नहीं आएगा, सो जो मास है वही वेट भी रहेगा, वेट बाय वेट परसेंटेज और परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वेट ऑल आर सेम, वेट ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन टोटल वेट ऑफ द सैंपल इनटू 100। क्या सिग्निफिकेंस होगा इसका? इफ वेट परसेंटेज इज गिवन 35, व्हाट डज इट मीन? अनुष्का क्या होगा 35 का, कैसे क्या इंटरप्रेट करोगे यदि वेट परसेंटेज 35 दिया है तो? सर कैन यू रिपीट, what is the significance of weight by weight percentage if it is given 35, what does it mean, how do you interpret this 35? Sir matlab 100 raha to usme se 35 rahega, if we take 100 gram of the total 35 gram of substance is present, yes sir, it is the weight of a substance is present out of 100 gram of total sample.
weight by volume percentage. तीन टर्म्स होते हैं सर, वेट बाय वेट, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, सेकंड वेट बाय वॉल्यूम, ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम, थर्ड होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। ये कब डिफाइन करेंगे? सॉलिड सॉलिड मिक्स किया है, कभी भी डिफाइन कर सकते हैं वैसे, जनरली सॉलिड सॉलिड मिक्स, सॉलिड इन लिक्विड, और उस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डिफाइन करते हैं जनरली जब लिक्विड लिक्विड को मिक्स कर, वैसे तो वेट बाय वेट लिक्विड लिक्विड के लिए भी मतलब कर सकते, जनरली ऐसा किया जाता है। टोटल वॉल्यूम इन ml, यहाँ यूनिट्स इसलिए मेंशन करने पड़े हैं क्योंकि वी हैव टू डिफरेंट क्वांटिटी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हियर बोथ आर सेम सो आई डोंट नीड टू मेंशन द यूनिट, दोनों यूनिट सेम लेना है जो भी लेना चाहते हैं। यहाँ पर ऊपर केजी में लिया तो नीचे केजी, ऊपर मिलीग्राम लिया तो नीचे मिलीग्राम, ऊपर ग्राम लिया तो नीचे ग्राम, sometimes this can also be written as in terms of gram per liter, iska strength itna hai gram per liter, to niche liter liya hoga, generally yadi sirf itna diya hai weight by volume percent to hum yahi unit lenge jo maine board pe likha hai, unit mention hai to uske according change kar sakte। C volume by volume percentage, volume of a substance, मतलब similar definition है, यहाँ पे weight की जगह volume आ जाएगा, volume of a substance upon total volume into 100, define कैसे करोगे, total 100 ml में 100 unit volume में इसके कितने unit volume, नीचे ml ऊपर ml, नीचे लीटर ऊपर लीटर, नीचे मीटर क्यूब ऊपर भी मीटर क्यूब, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द टोटल, दिस यूनिट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, यश का मैसेज स्क्रीन पॉज फॉर मी, कैन यू प्लीज कंफर्म, स्क्रीन कुछ रुका है क्या, कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। यश यू कैन रिजॉइन, चलो कॉपी किया है क्या सभी ने इतना?
इनका डेफिनेशन, इनका सिग्निफिकेंस, मतलब क्या मतलब है उसका. इफ आई एम गिविंग वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज 40, व्हाट डज इट मीन 40 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द टोटल, मतलब इतना समझ में आएगा तो फिर इसके क्वेश्चन इजीली बनेंगे. Four A parts per million, इसे ppm कहा जाता है. अब जैसे नेम से ही काफी कुछ क्लियर होता है, parts per million किसी भी सब्सटेंस का जिसका हम ppm डिफाइन कर रहे हैं. लेट से आई एम डिफाइनिंग ppm फॉर कैल्शियम इन सी वॉटर. सी वॉटर में कितना कैल्शियम है, मैंने उसको डिफाइन किया 40 ppm. 40 ग्राम कैल्शियम इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ द सी वाटर. सो पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने उसके ग्राम है, 1 मिलियन ग्राम में, 1 मिलियन केजी में उसके कितने केजी. क्लियर? परसेंटेज होता है एक के बाद क्या है, सॉरी एक के बाद फोर्थ पॉइंट में एक के बाद क्या लिखा है, पढ़े नहीं दिख रहा है सर. उसके पहले, उसके पहले वेट ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन टोटल वेट. यहां तक सेम डेफिनेशन चल रही है जो वेट बाय वेट परसेंटेज की चल रही थी. सिमिलर वेट, टोटल वेट इंटू 100 की जगह इंटू 10 to the power 6. वो 100 ग्राम में था तो 100 का मल्टीप्लाई, ये पर मिलियन ग्राम में तो 10 to the power 6 का मल्टीप्लाई. इट इज द वेट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सैंपल. पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी one billion means how many power, what is, what should be the power for 10? 10 to the power 9. Good. कितनी population है billions में हमारे country की? 1.35 I think. So 1.35 बिलियन में 0.95 बिलियन पॉपुलेशन अभी ऐसी है जो 18 ईयर प्लस है, जिन्हें वैक्सीन डोसेस लगना है और दो डोसेस लगेंगे तो 95 प्लस 1.8 बिलियन डोसेस. और अभी शायद लगे हैं 0.4 बिलियन, तो 0.4 से 1.8 तक नहीं जाएंगे, मतलब जिसमें तुम्हारा तो नंबर ही नहीं आ रहा है, तुम 18 प्लस में काउंट नहीं हो रहे हो. वैसे काफी जगह दिल्ली वगैरह में तो स्कूल खुल गए आज से. दिल्ली में इवन नॉर्मल फिफ्थ के भी स्कूल खुल गए, फिफ्थ ऑनवर्ड शायद खुल गए हैं स्कूल. तो काफी जगह तो मिल गई परमिशन, पता नहीं महाराष्ट्र में क्यों इतने केसेस आ रहे हैं. दिल्ली में 40 में आ रहे हैं. एमपी में तो एमपी गुजरात 20s 30s ऐसे केसेस आ रहे हैं पूरे स्टेट में. उतने तो लगता है मुझे हमारी सोसाइटी में ही होंगे.
क्या ये डेफिनेशन खुद से लिखोगे? इट इज द वेट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 बिलियन ग्राम ऑफ द सैंपल. सिर्फ 1 मिलियन को 1 बिलियन करना है. लिखो खुद से डेफिनेशन. जस्ट राइट बिलियन इन प्लेस ऑफ मिलियन. मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से लिखो. और तुम जब भी सेंटर आए हो, किसी भी रीजन से आओ, लेक्चर नोट्स होमवर्क नोटबुक लेकर आना है, टीचर से मिलके जाना है. फोर्थ के बाद फिर मोलारिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एम, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड कंसंट्रेशन टर्म इन द होल सिलेबस, जेई सिलेबस. वेट कर रहा हूं, पहले कॉपी कर लो. सर सर वो एन मतलब वो मोल से सर. हाँ यस. मोलारिटी मोल पर लीटर, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, कितने मोल्स NaCl के डिसॉल्व किए पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ध्यान रखना वॉल्यूम को लीटर में लेना है. इफ यू आर टेकिंग इन मिलीलीटर तो मिली मोल्स मिलेंगे. यूनिट मोल पर लीटर जिसे मोलार भी कहा जाता है और कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है. मोलर ऐसा दिया होगा 0.1 मोलर NaCl एक्वस. दैट मींस मोलारिटी ऑफ NaCl इन वाटर इज 0.1. क्लियर? इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन दिस विल नॉट चेंज बट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज इन जनरल. सो यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोल्स पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा. मोलारिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट डिक्रीजेस. हाँ कुछ रेयर केसेस में ये अपोजिट भी ट्रेंड फॉलो कर सकती है. जैसे वाटर 0 to 4 degrees Celsius, यदि 0 to 4 degrees Celsius तक तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम कम होता है, तो उस केस में बढ़ भी सकता है. जनरलाइजेशन तो ये है टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये कम होगा. इट इज temperature dependent
term and decreases on increasing temperature in general. Average molarity on mixing two or more solution. Molarity mein hi hai, average molarity on mixing two or more solution. Hum same substance ka solution lete hain. M average, hamare paas pehle formula tha moles per liter of the solution. So average molarity निकालनी है, total moles of all the solutes from solution 1, 2, 3 upon total volume. So N1 plus N2 up to last, V1 plus V2 up to last. जितने ही moles है सभी को add करा, जितने ही volume है सभी को add करते चले गए. Number of moles, N1. N1 को हम लिख सकते हैं, molarity of 1 into volume of 1, इसका use किया. Moles from the first solution. पहले बोर्ड पे देखना, कॉपी मत करना. M1 into V1. Clear? तो N1 आ गया. N2 क्या होगा? M2 into V2. N3, M3 into V3 and so on. So ये average molarity हो जाएगा. मैं इन सभी पे कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा अभी, जस्ट एक बार सारे टर्म्स डिफाइन कर लें. नेक्स्ट फिफ्थ सिक्स जो भी आएगा, आई डोंट रिमेम्बर कितना नंबर है. मोलालिटी डिनोटेड बाय स्मॉल एम. जो लास्ट टर्म था मोलालिटी वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म था, तो अब हमें एक ऐसा टर्म चाहिए विच डज नॉट विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. इफ वी चेंज द टेम्परेचर स्टिल इट रिमेन्स सेम. तो हमने एक नया टर्म डिफाइन किया मोलालिटी. It is number of moles of solute present in 1 kg of solvent. So last, it is a number of moles of solute present. यहाँ तक similar चल रहा है. In 1 liter of the solution, यहाँ पे 1 kg of the solvent. Solution की जगह solvent का weight और वॉल्यूम की जगह वेट आ गया, वेट आ जाएगा. सो बेसिकली ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा. मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा. क्या इतना क्लियर है? यस सर. यूनिट मोल पर केजी, मोलाल और स्मॉल एम, ये यूनिट्स.
इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म. थोड़ा सा मुझे वो लिखाना है क्वेश्चन देने के पहले. वेट ऑफ सॉल्यूशन वैसे हमें पता है इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है बट स्टिल इनका यूज आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में. इसका लिखा हूं वेट ऑफ सॉल्यूशन इज वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को ऐड कर दिया. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मैं जब भी ऐसा लिखूंगा ना SOLN सॉल्यूशन का शॉर्ट बोल. चलो इनका यूज आएगा जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे. इवन मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें भी यूज आएगा. फाइंड द फॉलोइंग on addition of 20 gram NaOH in 500 gram of water. Density of solution is given 1.2 gram per ml. ये water की density दे रखी है. पहला था मोल फ्रैक्शन. अच्छा तुम्हें कैलकुलेशन एग्जैक्ट परफॉर्म नहीं करना है. जैसे तुम इसके मोल्स लिख सकते हो 20/40 डिवाइडेड बाय 20/40 प्लस 500/18. उतना भी करोगे उतना तक छोड़ दोगे चलेगा. मतलब आई डोंट वांट कैलकुलेशन, मुझे सिर्फ रिलेशन चाहिए. सही इसमें मोल फ्रैक्शन लिख के बता देता हूँ. 20/40 प्लस 500/18 कितने फॉर्मेट में छोड़ दें. मोल परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलालिटी, molarity, इतना सब कुछ कैलकुलेट करना है. सर ये सब कुछ NaOH के लिए करना है ना. ऑल कंसंट्रेशन टर्म विल बी डिफाइंड फॉर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट जो लेसर अमाउंट में है. जनरली कुछ भी नहीं दिया है तो उसके रिस्पेक्ट में निकाल. हाँ कभी कभी बोली दिया फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो फिर एक बात अलग है, अदरवाइज सॉल्यूट के रिस्पेक्ट.
अनुष्का क्वेश्चन रिपीट करना है, क्या करना है? नहीं सर, बाद में क्लियर हो गया. फर्स्ट फाइव केसेस चेक करो. यहाँ पर एक कॉमन सा मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं. 20/500 ले लेते हैं, इट शुड बी 20/20+500. टोटल वेट लेना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का. अर्चित, अंशु, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब आते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पर. तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन 520 ग्राम अपॉन डेंसिटी 1.2. सो वॉल्यूम कैन बी रिटन एज वेट बाय डेंसिटी. ऊपर ग्राम में सॉल्यूशन का वेट, नीचे ग्राम पर एमएल. सो ये आएगा एमएल में. और लीटर में चाहिए बाय 1000 कर देना, 520/1200 हो जाएगा लीटर. चलो, वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड 20 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, 520 अपॉन 1.2 इनटू 100. क्या इतना क्लियर है? मोलारिटी स्मॉल एम है पहले. सो मोल्स ऑफ सॉलिड 20/40 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. अब सिर्फ सॉल्वेंट का वेट लेना है 0.5 kg, तो ये आ जाएगा 1. ऊपर भी 0.5, नीचे भी 0.5. कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स 20/40 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, 520/1200. सर सर वो डेंसिटी तो NaOH की नहीं है सर, वो भी ऐड करनी होगी ना. डेंसिटी सॉल्यूशन की है ना. सॉल्यूशन में क्या क्या है? सॉल्यूशन मतलब क्या? यस सर, सॉल्वेंट. Molality, moles of solute 20/40 upon weight of solvent, which is 500 gram solvent, pani, 0.5 kg. और molarity में volume of solution था, इसलिए हमने 520 gram solution का लिया है और उसकी density से divide करके volume निकाला. Is there any doubt? Himanshu, Kaushal, Malar? No, sir. No, sir. चलो अब एक काम करते हैं, एवरेज मोलारिटी का क्वेश्चन लेते हैं और फिर कंसंट्रेशन कन्वर्जन का क्वेश्चन. फाइंड एवरेज मोलारिटी फर्स्ट केस, 200 ml 0.1 molar NaCl प्लस 300 ml 0.2 molar NaCl.
फाइंड एवरेज मोलारिटी। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन कन्वर्जन। पहले तुम्हें एक क्वेश्चन लिखना है उसे सॉल्व करना है, देन नेक्स्ट लिखना है उसे सॉल्व करना है। अच्छा थोड़ा सा मैं अपना कैमरा चेंज करो, मुझे बताना अभी बेटर दिख रहा है या उस कैमरे से बेटर दिखेगा। मैं फ्रंट बैक चेंज करके देख रहा हूँ। क्या ये बेटर व्यू है इसमें? यस सर, बेटर क्लियरिटी। तो फिर यही वाला हम कर लेते हैं। जस्ट वेट, थर्ड सेकेंड क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं है इसमें। एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू अपॉन बी वन प्लस बी टू, एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू, इसमें मोलारिटी जीरो है तो यहाँ पे जीरो एड होगा, बट वॉल्यूम में एड होगा 100 प्लस 200 प्लस 200। तो इसका आंसर आएगा हमारा 0.2 लीटर इंटू 0.1 मोलार प्लस 0.3 लीटर इंटू 0.2 मोलार अपॉन 0.2 प्लस 0.3। इसका आंसर आएगा 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.05 अपॉन 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2। सो वाटर H2O विल नॉट प्रोवाइड एनी अमाउंट ऑफ HCl, बट यस इट विल डाइल्यूट द सॉल्यूशन, नीचे डिनोमिनेटर में जरूर आता है। आया समझ में? तो ml में भी ले सकते हैं, ऊपर भी ml नीचे भी ml, ऊपर लीटर नीचे लीटर, सेम यूनिट लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री में मोलारिटी कैपिटल M दे रखा है, 2 मोलार HCl in water, aqueous solution. Find small m. ये aqueous लिखा है, water is a solvent, इसका मतलब। चलो इस टाइप का पहला क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, दोनों ही क्वेश्चन में करता हूँ, तुम सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखो लेक्चर नोट्स में। 2 मोल
HCl is given in 1 liter solution. इसका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो ये होगा, 2 moles of HCl is given in 1 liter of the solution. अब हम आते हैं मोलालिटी. मोलालिटी में होता है moles of solute, वो तो 2 आ गए. हम हमेशा बेसिस ले लेते हैं कंसंट्रेशन कन्वर्जन में. जो भी इंफॉर्मेशन दे रखे उसको बेसिस ले लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया. हमें चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो 1 लीटर 1000 ml मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, इसका वेट निकाल दो. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1.1, कितने ग्राम सॉल्यूशन आ गया है हमारे पास. क्या यहां तक किसी को डाउट है? सॉल्यूशन का इतने ग्राम, 1100 ग्राम माइनस सॉल्यूट का वेट माइनस कर दो. HCl का 1 मोल का वेट है 36.5, सो 2 मोल का वेट होगा 2 × 36.5. इतने ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है. हमें चाहिए मोलालिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. सो मोल्स 2 मोल्स सॉल्यूट के HCl के अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, 1100 माइनस 36.5 इंटू 2 बाय 1000 kg में कन्वर्ट कर दिया. कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं. तो बेसिकली ये इंटरप्रेट करते आ गया, मोलारिटी मींस व्हाट? मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. क्या चाहिए? मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट. तो सॉल्यूशन का पहले वेट निकाला, उसमें से सॉल्यूट को माइनस किया, सॉल्वेंट का वेट आ गया, मोलालिटी आ गया. कंसंट्रेशन कन्वर्जन सबसे अच्छे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं. कंसंट्रेशन पर एक टर्म दिया है, दूसरा निकालना. इज दैट ओके? हर्षिता, हिमांशु, अथर्व? यस सर. यस सर. यस सर. स्वानंद? यस सर. तन्मय? यस सर. ये वाला क्वेश्चन में मैं ही कर रहा हूं. मोल फ्रैक्शन बाय डेफिनेशन, 0.2 मोल्स इथेनॉल आर प्रेजेंट इन बेंजीन, फाइंड स्मॉल एन मोलालिटी. पहले तो उसको इंटरप्रेट करते हैं. 0.2 मोल इथेनॉल इन 1 मोल ऑफ टोटल. अच्छा, 1 मोल टोटल है तो हमारे पास है क्या? इथेनॉल और बेंजीन है, 2 सब्सटेंस है. यदि इसके 0.2 मोल हो गए 1 मोल में से, तो इसके कितने मोल होंगे बेंजीन के? कितने होंगे? क्या इतना हमें समझ में आता है? आर, अभिषेक, अंशु? यस सर. यस सर. मोलालिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमने यही बेसिस ले लिया, डिफाइंड एज present in 1 mole of the total. So 1 mole ko basis le liya. Moles of solid 0.2. Weight of solvent, humare paas 0.8 mole solvent hai. Uska weight nikal lete hain, 0.8 into 78 grams. Usko kg mein convert kar lo by 1000. So 0.8 mole C6H6 ka weight hoga, 0.8 into 78 grams. Molar weight ka multiply kar. Gram C6H6. समझ में आया? यदि इंटरप्रेट हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं तो क्वेश्चंस कंसंट्रेशन कन्वर्जन के काफी इजी लगते हैं.
अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ एक्सरसाइज थ्री में से इस बार। वन टू ट्वेंटी इसमें एक दो क्वेश्चन सिर्फ ऐसे होंगे जो ऑक्सीडेशन नंबर रेडोऑक्सीडेशन में बेस्ड होंगे, पार्ट टू में वो छोड़कर सारे कर लेना। और मैं सारा होमवर्क डिस्कस करूंगा, ध्यान रखना पूरा कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट टाइम। चैप्टर मेरा एंडिंग पर है, सिर्फ रेडोऑक्सीडेशन वाला पार्ट बचाया। सेशन एंड करें हम? यस सर।